अगर आप हमारा चैनल बहुत दिनों से देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप रियल स्टेट में कैसे लाखों करोड़ों रुपए डूबने से बचा सकते हैं। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, रियल स्टेट में आप कैसे लाखों करोड़ों रुपए डूबने से बचा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, रियल स्टेट एजेंट है, इन्वेस्टर है, बायर है, सेलर है। ये वीडियो आपके बहुत काम का, इसे एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट एंटरप्रेनर, आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे सीईओ से जब पिछले 2 साल में हमने अपनी बुक के लिए इंटरव्यूज लिए, बात की और एशिया के टॉप 50 प्लस सीईओ से बात की, तो बहुत सारी बातें निकल कर आई। एक सीईओ से जब मेरा वार्तालाप हो रहा था, जब बातें हो रही थी, तो एक बात उन्होंने हमें बताई कि बायर का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर बायर का अवेयरनेस नहीं होता है तो गलतियां रियल स्टेट के बिजनेस में होती रहेगी। और यही सीईओ की टॉप लेवल की सीरीज का नॉलेज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप एज अ बायर जब आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप अपने लाखों करोड़ों रुपए कैसे बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि लाखों करोड़ों का नुकसान कब होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो, जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपके पास ना हो, या आपने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया और कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खरीद लिया लेकिन वो लीगली एथिकली बहुत सारे तरीकों से सही नहीं था, और जब आपका समय आया कि जब आपको सेल डीड करनी हो, रजिस्ट्री करनी हो, उस समय दिक्कतें आने लगी, या मान लीजिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और उस वजह से आपको वो जगह का ना तो पोजीशन मिला ना रजिस्ट्री लगा के मिली, तो आपके लाखों करोड़ों रुपए मेहनत की कमाई डूब गई। अब ये जब हम एक सीईओ से बात करते हैं जो वह बहुत बड़े सीईओ है, 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, तब उन्होंने एक बात बताई कि मेरे पास कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं जो लेने आते हैं फ्लैट हमारी टाउनशिप में, हमारी फ्लैट स्कीम में, लेकिन ये तक नहीं पूछते कि आपका बिल्डिंग सैंक्शन प्लान कहाँ है, जो कि सबसे ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में 5% भी ऐसे क्लाइंट नहीं थे जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि एज अ बिल्डर मुझे बिल्डिंग सैंक्शन प्लान दिखाइए। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ एक क्लाइंट अपने लाइफ में बार बार करता रहता है, कैसे ना करें, क्या स्टेप्स है जिससे आप बच सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप रियल एस्टेट में लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं, सही तरीके से अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप कोई भी रोल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में निभा रहे हो पर यह समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट आउट ऑफ द 5 पॉइंट्स जो हम आपको बताना चाहते हैं जिससे आप अपने लाखों करोड़ों मेहनत की कमाई रियल एस्टेट में बचा सकते हैं, वो है चेक द लीगल पेपर्स। अब किसके लीगल पेपर्स चेक करने, चाहे आप एक प्लॉट ले रहे हो, चाहे आप एक फ्लैट ले रहे हो, चाहे आप कोई रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे आप कोई फार्म हाउस खरीद रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट में कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उस प्रोजेक्ट के पूरे पेपर चेक कीजिए, उस प्रॉपर्टी के पूरे पेपर चेक कीजिए, पूरे लीगल पेपर्स मांगिए, मास्टर फाइल मांगिए। अगर वो एक फ्लैट स्कीम है तो बिल्डर से कहिए कि मुझे आपकी मास्टर फाइल दीजिए, मुझे चेक करनी है। अगर वो एक प्लॉट है तो उसके जितने डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, चाहे उसकी ओल्ड सेल डीड हो, चाहे मान लीजिए वहाँ का लीगल, जहाँ पर भी आप पूरे दुनिया में कहीं पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी का पेपर हो, वो टैक्स रिसिप्ट हो, 500 ऐसी अलग अलग चीज़ें हो सकती है जो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल है, सर मुझे ये सब समझता ही नहीं है, मैं कैसे ये सब चेक करूं? तो स्टेप नंबर 2, इफ़ यू डोंट नो, टेक हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर्टी के बारे में, लीगल पेपर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, भले ही आप एक 5 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हो, 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे 5 करोड़ की, इससे फर्क नहीं पड़ता, या 50 करोड़ की, आपको लीगली सब चीज़ें चेक करनी चाहिए एज ए बायर, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप लेनी है। और अगर आपको ये सब नहीं समझता तो किसी एक्सपर्ट की, मतलब कोई प्रॉपर्टी लॉयर हो सकते हैं, या आपके ऐसे कोई फ्रेंड दोस्त, आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई कलीग जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहते हैं और उनको थोड़ी समझ है, थोड़ा उनसे पूछ लीजिए, कुछ लीगल एडवोकेट से पूछ लीजिए। और जब आपको पता चले कि ये XYZ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको चेक करने हैं, तो वो चेक करने के बाद अपने डिसीजन को कॉन्क्रीट बनाइए। स्टेप नंबर 3, जिससे आप अपने लाखों करोड़ रुपए बचा सकते हैं, इफ देयर आर एनी डाउट्स और क्वेरीज देन आस्क देम एंड गेट क्लैरिफिकेशन। अब जब ये सब पूरी लिस्ट आपके पास आ गई है, पॉइंट नंबर 3, इफ देयर आर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज आस्क देम एंड गेट क्लैरिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि ये सब पूरे पेपर्स जब आपके पास आ गए, किसी एक्सपर्ट ने बताए, और वो पूरे पेपर्स आपको नहीं मिले, या उसमें से कुछ पेपर शॉर्ट है, आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो वो क्लैरिफिकेशन उस बिल्डर से, उस डेवलपर से, उनकी लीगल टीम से पूछिए कि सर मैंने तो आपसे 10 पेपर्स मांगे थे पर आपने 7 ही पेपर्स दिए, तो इन 3 पेपर्स के बदले में आप मुझे क्या एविडेंट्री प्रूफ देंगे। मतलब जब आप ये सब चेक करने लगते हैं तब आप एक सीधी सही तरीके की प्रॉपर्टी लेने के थोड़े और नज़दीक पहुँच
जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप 100% श्योर हो गए कि आपका पैसा बचने ही वाला है, लेकिन आपने 3-4 ऐसी स्टेप्स ली जिससे चांसेस बढ़ गए कि आप एक क्लियर टाइटल और अच्छी प्रॉपर्टी लेंगे। दोस्तों ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम ये सब चाहते हैं कि इससे क्या होगा, रियल स्टेट का मार्केट और अच्छा होगा। बिल्डर्स डेवलपर्स भी बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, अब रेरा जैसी अथॉरिटी बॉडीज आ गई है, रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट आगे चल के उसके बारे में भी बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सब जब बायर का अवेयरनेस बढ़ेगा, एक बायर जब चीज़ों को समझने लगेगा तब वो अच्छी चीज़ों का डिमांड करेगा, और जब एक बायर अच्छी चीज़ों का, पेपर्स का, लीगल चीज़ों का डिमांड करेगा तो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भी उतने ज़्यादा और अच्छे तरीके से लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचाना होगा। चौथा पॉइंट, एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। हो सकता है आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हो, 75 लाख की ले रहे हो, 20 लाख की ले रहे हो, चाहे 1 करोड़ की ले रहे हो, आपके पास पैसा है, फिर भी हो सके तो प्रॉपर्टी में थोड़ा सा लोन लीजिए, किसी अच्छे नेशनलाइज बैंक से, किसी अच्छे प्राइवेट बैंक से लोन लीजिए। लोन लेने से क्या होता है, जब बैंक अपना पैसा लगाता है तो उनकी भी एक लीगल एडवोकेट की टीम होती है, 8, 10, 15, 20 अलग अलग लीगल एडवोकेट्स पेपर्स को चेक करते हैं, मास्टर फाइल को वेरीफाई करते हैं, और हो सके तो उस बैंक से लोन मत लीजिए जहां से फाइल ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अगर आपके पहचान का कोई बैंक है वहां पर भी आप पेपर्स दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, वहां से भी लोन ले सकते हैं, और अगर फाइल अप्रूव्ड भी है तो भी वो ऐसे नहीं होती है, बहुत सारे लीगल एडवोकेट चेक करते हैं, उसके बाद ही कोई बैंक किसी बिल्डर या डेवलपर की फाइल को लोन के लिए अप्रूव करता है। तो भले ही आपके पास पूरा 50 लाख हो, आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो पर 20 लाख 10 लाख का लोन लीजिए, ताकि जो आपका और ज़्यादा लीगल ड्यू डिलीजेंस है वो बैंक कर ले, तो बैंक के बिहाफ में आप बहुत सारी चीज़ों का लीगल ड्यू डिलीजेंस चेक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, थोड़ा सा लोन लेने से आपको और एक ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाती है कि बैंक ने भी चेक किए हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका पैसा कल चल के NPA हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए, तो बैंक भी ये चाहते हैं कि वो ऐसे ही प्रॉपर्टी पर लोन करे जो सेफ हो। क्योंकि बैंक आपको लोन क्यों देती है, कि जो प्रॉपर्टी आप वहाँ मॉर्गेज करते हैं वही प्रॉपर्टी के बदले वो आपको पैसा देती है। तो ये था चौथा पॉइंट, जो अगर आप करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के प्रोसेस के दौरान तो आप अपना लाखों करोड़ों रुपया बचा सकते हैं। पांचवा पॉइंट, चेक पास्ट बैकग्राउंड ऑफ द सेलर। अब चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो डेवलपर हो, कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी रीसेल कर रहा हो, चाहे कोई फार्म हाउस का ओनर हो, कोई भी आपको प्रॉपर्टी दे रहा हो, हो सके तो थोड़ा पास्ट बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री, उनके वेबसाइट्स पे जाइए, उनके पुराने कस्टमर से बात कीजिए, उनके एम्प्लॉय से मिले। जब ये सब आपको बहुत अच्छा लगे, ओल्ड क्लाइंट सेटिस्फाइड लगे और सब कुछ अच्छा प्रोसेस लगे, तब जाकर भी आप अपना डिसीजन और कॉन्क्रीट कर सकते हैं। दोस्तों ये सब मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो ये 15-17 साल मैंने रिसर्च की, खुद रियल एस्टेट में इतना काम किया, कई ऐसे लोग मिले जो बहुत गरीब है और जिन्होंने अपनी मेहनत की पूरी कमाई रियल एस्टेट में लगा दी, पर उन्हें पेपर्स का नॉलेज नहीं था, उन्हें चीज़ें समझती नहीं थी, और जब मेन समय आया रजिस्ट्री करने का तो बिल्डर ने या डेवलपर ने थोड़ा डिले कर दिया, मना कर दिया, प्रॉब्लम आने लगे, क्योंकि उन्हें तो स्टार्टिंग में पता होता है लेकिन कस्टमर को पता नहीं होता। कई बार जब आप टाइटल क्लियर ना होने वाली प्रॉपर्टी या लीगली सैंक्शन नहीं है प्रॉपर्टी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बाद में बहुत दिक्कतें आती है। 15 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, वही एक्सपीरियंस दिल से दिल तक आप तक शेयर कर रहे हैं, और रियल स्टेट गेम चेंजर सीरीज़ का ये रियल विजडम, जो बहुत सारी बातें CEO से की गई जो शायद इंटरव्यू में भी नहीं है, वो भी हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों तक रियल स्टेट का रियल प्रैक्टिकल नॉलेज पहुँचे। और दोस्तों यही हमारा मिशन है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल स्टेट एंटरप्रेनर्स को लीगली, एथिकली, ऑनेस्ट तरीके से ऐसे ट्रेन किया जाए कि वो बहुत अच्छा रियल एस्टेट का प्रोडक्ट पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में लेकर आए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कोई टॉपिक पर अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।